नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीप करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा महाराज आप सभी के जीवन के सारे कष्टों का निवारण करते चले जाएं। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है कि जो आपको दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं, परंतु उसी भाव में जो वास्तविक होता है वह सन से कभी छिपता नहीं। बाबा महाराज एक एक मनुष्य की जीव आत्मा के आगे पीछे के सारे चक्रों को भलीभांति जानते हैं और वो समय आने पर अपने उसी जीव आत्मा के हृदय में पूर्ण रूप से प्रवेश करके उसे ईश्वरीय प्रकाश का साक्षात्कार करा देते हैं। महाराज जी एक ऐसा बिंब है, ऐसा आईना है जिसमें जब आप खुद को स्वयं को देखोगे तो कभी आपको सुंदर होने की आवश्यकता नहीं होगी, अभी तो आप उसके अंदर अपने आप को सुंदरतम पाओगे। अर्थात आपको यह एहसास हो जाएगा कि ऐसी कोई क्रिया नहीं जो बाकी है जिससे आप किसी चीज़ की बढ़ोतरी कर सकते हो। आपको यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि आपके अंदर करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है, अभी तो आपके अंदर कराने के लिए बाकी है। और कराने वाला कौन है? महाराज जी। महाराज जी आपसे सब कुछ वो करवाएंगे जो आप चाहते हो, परंतु आप वही चाहोगे जो वो चाहते हैं। और यही दोस्तों ईश्वर और आत्मा का संपूर्ण रहस्य है। जिस दिन हम मनुष्य हमारी इच्छाएँ उस प्रभु की इच्छाओं में देखना शुरू कर देते हैं, उस दिन से हमारी इच्छाएँ स्वतः है अपना स्वरूप लेती जाती हैं। इस जीवन में कुछ भी असंभव जैसा नहीं है और ना ही जीवन में कुछ भी दुख सुख जैसा है। सब कुछ बस दो तरह की मूवियों की तरह है, एक वो मूवी जो थिएटर से निकलते समय आपके चेहरे पर प्रसन्नता लाती है और एक दूसरी वो मूवी जो थिएटर से निकलते समय आपके चेहरे से दिखाती है कि आप उदास हैं। बाबा नीम करौरी महाराज जी सदैव इन दोनों मूवियों से परे हैं। वह मनुष्य को उस भाव से देखते ही नहीं कि आप इस जीवन के अंदर किस सुख और किस दुख की बात कर रहे हैं या किस स्वरूप के अंदर क्या कर्म कर रहे हैं। महाराज जी तो सबसे पहले आपका पूर्ण जन्मों जन्मों का लेखा जोखा देखते हैं और वो भलीभांति जानते हैं कि आपके जीवन के अंदर किस समय किस चीज़ का उदय होना निश्चित है और उसी के अनुरूप ही वो घटाते हैं। महाराज जी कभी भी इस विधाता के इस प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु साथ ही बाबा महाराज ने कई बार मनुष्य के भाग्य को बदला है, उसके संकट में पड़े प्राणों की रक्षा करी है। ये सब कैसे होता है? ये सब महाराज जी ने किया था प्रभु श्री राम के नाम पर। बाबा महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे राम करते हैं। जब भी कोई भक्त या मनुष्य महाराज जी से ये कहता कि बाबा ये काम तो हो ही नहीं सकता, चाहे कितना ही कोशिश कर लो ये काम संभव नहीं है, तब महाराज जी कहते कि ना मैं संसार से कोई अपेक्षा करता हूँ और ना ही मैं संसार के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तो बस अपने प्रभु श्री राम की तरफ देखता हूँ कि इस परिस्थिति के अंदर वो क्या करते हैं। और दोस्तों वास्तव में जब बाबा महाराज अपने प्रभु श्री राम की ओर देखते हैं तो उन्हें उस कार्य सिद्धि के लिए इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, अभी तो बिना इच्छा के ही वह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। मनुष्य इसे प्रेरणा ले सकता है अगर वह बाबा महाराज जी और हनुमान जी की भक्ति इस भाव के साथ करे जैसे महाराज जी अपने प्रभु श्री राम पर सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं जो ये प्रकृति आपके खिलाफ होने दे, और होने भी क्यों दे। जब प्रभु श्री राम की इच्छा हो जाए तो उसी के अंदर महाराज जी और हनुमान जी की इच्छा भी हो जाती है। और प्रकृति के तो ये सब लाडले हैं, प्रकृति स्वतः सारी घटनाओं की दिशा मोड़ देती है। आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर एक गलत व्यक्ति को महाराज जी ने किस तरह भक्त रूप में पहचान लिया और आगे कालांतर में जाकर उस भक्त ने भी महाराज जी को किस तरह से पहचान लिया। दोस्तों इसीलिए हमने आरंभ में कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को देखते हुए लाइक जरूर किया कीजिए और सभी चिरपरिचित लोगों में साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचने में आप भी उसका एक मुख्य कारण बने। और जो लोग चैनल पर नए हैं आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। आइए दोस्तों ले चलते हैं आपको अद्भुत अलौकिक घटना पर। यह घटना है लखनऊ की, जहां पर बाबा महाराज जी का अक्सर आना जाना रहता था। लखनऊ का ही एक आईसीएस अफसर भयंकर रूप से शराब पीता था। एक बार बाबा वहां के पुलिस अधीक्षक के साथ उस कमिश्नर के यहां पर गए। जब वे लोग वहां पर पहुंचे तो कमिश्नर उस समय शराब पी रहा था और उसने शराब की एक बोतल छिपाकर अपने पास भी रखी थी। बाबा महाराज चूंकि इस प्रकृति के सभी आयाम जानते हैं, अतः महाराज जी कार में बैठे हुए चिल्ला उठे कि क्या बात है। बाबा की ऊंची आवाज़ सुनकर वह कमिश्नर क्रोध से कांपने लगा। वह अंदर बैठा हुआ चीखने लगा कि किसे ले आए हो तुम यहाँ पर, उसे कोई तमीज़ नहीं है, उसे यहाँ से बाहर निकालो, अभी का अभी उसे यहाँ से धक्के देकर भगाओ। कमिश्नर की अभद्रता से वह पुलिस अधीक्षक के शरीर में आग लग गई। चूंकि वह पुलिस अधीक्षक महाराज जी का भक्त था, परंतु उसने कमिश्नर से ऐसी अभद्रता की अपेक्षा नहीं करी थी। वह अपने क्रोध की पराकाष्ठा पर इस तरह से पहुँच गया कि अपनी पिस्तौल उस कमिश्नर पर तान दी। तभी महाराज जी साथ आए उस पुलिस अधीक्षक पर गरजे और बोले कि क्या कर रहा है तू ये सब, वह बड़ा संत आदमी है, तुम सिर्फ उसका बाहरी स्वरूप देख रहे हो और अपनी इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हो, हम तेरे साथ अब कभी नहीं आएंगे,
वह पुलिस अधीक्षक बड़ा ही लज्जित हुआ और वहीं से महाराज जी को लेकर वापस लौट गया। परंतु होता क्या कि महाराज जी उस कमिश्नर के जन्मों जन्मों का पूरा लेखा जोखा जानते थे, अतः बाबा ने जो कहा कि वह संत आदमी है, यही बात उस कमिश्नर के अंदर उस आध्यात्म के बीज को जगा गई जिसके लिए महाराज जी उसके द्वार तक आए थे। वह कमिश्नर कालांतर में बाबा महाराज जी का भक्त हो गया और वह अक्सर कैंची धाम बाबा के दर्शन करने के लिए आता। परंतु जब भी वह बाबा के दर्शन के लिए आता, वह बाहर जूतों के पास ही बैठ जाता क्योंकि वह अपने लिए वही स्थान उचित समझता था। बाद में वही कमिश्नर इलाहाबाद में प्रशासनिक अधिकारी संस्थान का अध्यक्ष भी हुआ। महाराज जी की उस पर छिपी हुई कृपा निरंतर होती रही क्योंकि बाबा महाराज उसके बाहरी स्वरूप को नहीं देख रहे थे, उसके जन्म जन्म के संत तत्व को देख रहे थे। और आगे चलकर कुछ दिनों बाद वो कमिश्नर रक्तस्राव से पीड़ित हो गया। अंत में उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, किंतु उसने राम नाम का जाप जारी रखा और बड़ा ही प्रसन्नचित रहता। उसके बारे में जब यह सब कुछ पुलिस अधीक्षक को पता चला तो पुलिस अधीक्षक उसे मिलने पहुंचा। उस समय कमिश्नर की स्थिति देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह उससे अंतिम समय मिला तो उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी और पुत्र को बुला दूं? तब कमिश्नर बोला कि नहीं, ये आसक्ति का समय बिल्कुल नहीं है, इस समय तो मुझे केवल राम और महाराज जी का स्मरण करना है। अलविदा दोस्त, हम फिर मिलेंगे, हमारी यात्रा जारी रहेगी। और ये शब्दों के साथ ही कमिश्नर सदा के लिए विदा हो गया। अंतिम समय में उसके द्वारा रखी गई इच्छा कि केवल राम और महाराज जी का ही मुझे स्मरण करना है, यह इच्छा भी उसकी महाराज जी की इच्छा में से निकली थी। बाबा महाराज शायद जानते थे कि अब उसका महाराज जी में विलीन होने का समय आ गया है, इसलिए महाराज जी ने उसके अंतर्मन में बाकी सब चीज़ों की आसक्ति से परे प्रभु श्री राम का स्मरण रख दिया। और जब महाराज जी हनुमान जी आपके हृदय में प्रभु श्री राम का स्मरण रख देते हैं तो फिर आपके कार्य पूर्ण कैसे नहीं होंगे? इस भौतिक जगत के कार्य तो छोड़िए, आपकी अंतिम इच्छा भी पूर्ण होकर रहेगी। ऐसी परिस्थिति में कोई भी डू डज लागू नहीं होता कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। जो कुछ भी होता है वह सब कुछ राम की इच्छा से होता है और राम की इच्छा के सर्वोपरि कोई इच्छा नहीं है। जब आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर दें और इच्छा करना ही बंद कर दें और प्रभु श्री राम की इच्छा में आ जाएं, तब आपके जीवन में ऐसी कोई नकारात्मकता बाकी नहीं रहती जो आपके जीवन में कोई प्रश्न चिन्ह लेकर आए। महाराज जी की इन गूढ़ बातों को समझिए और इस संसार से कोई अपेक्षा न रखिए और न ही संसार के प्रति कुछ देने का भाव रखिए। अगर आप इन दोनों भावों से बाहर हो जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि आप सब कुछ वही कर रहे हैं जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। और जो प्रभु श्री राम चाहते हैं वो जब आपकी इच्छाएं बन जाती हैं तो फिर दोस्तों इस जीवन के प्रति आपकी कोई निराशा, कोई दुख का भाव आ ही नहीं सकता। अभी तो यह एहसास हो जाने के बाद आपको सिर्फ हंसी आएगी कि आप जीवन में किसे दुख कहते हो और किसे सुख कहते हो। इस सुख और दुख का जीवन से त्याग करिए और प्रभु श्री राम जी के शरण में जाइए। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते जाते इसे लाइक जरूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।